subject English word unit number 3 sport page number 16 for mode 1 activity 1 एंजॉय द पोएम पोएम का नेम है ड्रीम क्या है ड्रीम ड्रीम मींस सपना सपना मींस ड्रीम्स मींस जो सोते टाइम आते हैं वो भी ड्रीम्स होते हैं और ड्रीम्स मींस एक मोर मीनिंग होता है जो हमारे एम हमारा गोल हमें कुछ अचीव करना है आपका बोल दो ना कि मेरा ड्रीम है कि बड़ा होकर ये बनूंगा ये करूंगा मेरा ड्रीम ये है मेरा ड्रीम वो है ओके तो और टाइप का ड्रीम के लिए ड्रीम की बात यहाँ पर की गई है ओके पोएम का नेम है ड्रीम 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 ड्रीम्स ऑफ पीपल ड्रीम्स ऑफ ट्रीज ड्रीम्स ऑफ लैंड्स एंड ड्रीम्स ऑफ सीज ठीक है सपना 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 ड्रीम्स ऑफ पीपल लोगों के सपने ड्रीम्स ऑफ ट्री मींस ट्रीज के सपने लैंड के सपने एंड ड्रीम्स ऑफ सीज मींस ये जो समुद्र ठीक है दरिया ड्रीम्स टू ग्रो बिग ड्रीम्स टू ग्रो रिच कैसा सपना होता है बड़े बनने का मींस बड़े आदमी बनने का ग्रो करना मींस ग्रो हमारा ग्रो होना ग्रोथ होना ड्रीम टू ग्रो रिच रिच बनना ड्रीम टू प्रोस्पर एंड ड्रीम्स ऑफ पीस पीस मींस हेवन मींस पीस का मीनिंग क्या होता है शांति ठीक है बोलते हैं जब कोई पर्सन है उसकी डेथ हो जाती है तो क्या बोलते हैं हम रेस्ट इन पीस मींस पीस मींस हेवन स्वर शांति ड्रीम्स ऑफ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ हमारी जो कंट्री है हमारे देश का सपना और उसको ग्रोथ करना हमारे कंट्री का ठीक है कंट्री को आगे बढ़ाना ड्रीम्स ऑफ लव एंड ड्रीम्स ऑफ होप ठीक है होप मींस आशाएं तो लोगों के मन में प्रेम और आशा के भी सपने होते लव एंड होप ड्रीम्स 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 दैट ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू कि सपने सपने दैट ऑल द ड्रीम्स ड्रीम्स दैट ऑल द ड्रीम्स कम ट्रू कि जो सपने जो भी सपने हैं वो सारे सच हो सही हो पूरे हो ओके और ये जो ड्रीम्स पोएम है वो किसने लिखी है ईस्टर शेम्यूल ठीक है पोएट ऑफ पोएम ड्रीम्स ईस्टर शेम्यूल ओके अंडरलाइन कर देना पोएट का नेम ईस्टर शेम्यूल ठीक है ड्रीम्स के बाजू में ऐसे लिख लोगे तो भी पता चल जाएगा कि ये पोएट का नेम है अब एक्टिविटी वन में से मैं आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी ओके नोटबुक निकालो नोटबुक निकालो यूनिट नंबर 3 आज की डेट यूनिट का नेम और लिखो एक्टिव
सुनो भाई, जिसके पास है और नहीं है, जो फर्श पोयम के अंदर फर्श दो जो है आपकी, मींस फर्श दो पैराग्राफ नहीं बोलते पोयम के अंदर, ठीक है, पैराग्राफ हाँ मींस पोयम की लाइंस, जो ड्रीम्स 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 वहां से लेकर एंड ड्रीम्स ऑफ पीस वहां तक टोटल कितनी लाइन है, जो जगह मैंने छोड़वाई वो आपको वहां लिखना है।
homelands and overseas. We also have dreams. Letter of few words in the stanza capitalized. इसमें देखो being, ये कौन सा? Rich and fish. वो word है capitalized है. क्यों? Okay? लिखो third question. साथ साथ में जब भी time मिला तो ऊपर लिखते जाना यानी complete करते जाना. Why कैपिटल लिखना रीच एंड फीस आर कैपिटलाइज टू गिव देम स्पेशल इंपोर्टेंस. Thank you.
dreams to grow big. Society and nation on a large scale. Like society and nation on a large scale. उसकी life में society और nations के अंदर क्या चाहता है? शांति चाहता है। इसको हो जाए वो नेक्स्ट दो श्रांजा है वो लिखे। जो पहली श्रांजा आपने लिखी फर्स्ट दो उसके आगे फर्स्ट नंबर लिख देना, अब जो लिखो उसमें दो लिख देना। समझ गए? समझ आ रहे हैं? चलो फटाफट लिखो। ओके, आगे का लिख दिया, दूसरी स्टांजा लिखो। या फर्स्ट नंबर करके लिखना, जो स्टांजा लिखो यहाँ सेकंड नंबर करके। चलो स्टांजा की जितनी भी लाइन है वो छोड़ देना, दो स्टांजा की लास्ट दो जो स्टांजा है उसकी कितनी है? 7 लाइन है। तो टोटल आप 8 लाइन छोड़ देना। ड्रीम्स ऑफ कंट्री एंड इट्स ग्रोथ, वहां से लेकर कम ट्रू, ड्रीम्स कम ट्रू, टोटल 7 लाइन, बीच की एक लाइन छोड़ने के लिए टोटल 8 लाइन अब छोड़ देना। चलो अब उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड स्टैंजा के लिए। What dreams are mentioned? धीरेन्द्र अपने लेट आया शू करू? एब्सेंट के प्रेजेंट? पहली वक्त जवा दू छू। और ये
ग्रोथ थर्ड क्वेश्चन